Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time. मैं बहुत गुस्से में हूँ आज दोस्तों. चित्रोदा जी वही हैं जिनकी बातें सुन सुनकर आदरणीय राहुल गांधी जी भी बहकी बहकी बातें करते हैं. कितना बांटो के जाति के नाम पे क्षेत्र के नाम पे देश को. पप्पू जी के जो प्रॉम्प्टर प्रोफेसर है उनकी अज्ञानता से भरपूर ज्ञान का ये नतीजा है. राहुल गांधी को सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी. शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें मैं आज बात कर रही हूं कि किस तरह से देश में लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच नेताओं के विवादित बयानों ने सियासी पारा चढ़ाया हुआ है और हर आए दिन इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और हर दिन नए नए लेवल भी इसमें सामने आ रहे हैं. और INDIA गठबंधन में तो जैसे सेल्फ गोल की एक होड़ सी मच गई है. पहले कल लालू प्रसाद यादव मुस्लिम आरक्षण की मांग से जुड़ा बयान देते हैं, तो वहीं उसके बाद राम गोपाल यादव राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दे देते हैं. अयोध्या में राम मंदिर का नक्शा और वास्तु ठीक नहीं है ये कह देते हैं. वो कह रहे हैं कि मंदिर ऐसे थोड़ी बनता है, वो मंदिर बेकार है. इन दोनों बयानों से साफ है कि विपक्षी दल लोकसभा चुनाव के अन्य चरणों में होने वाले जो मतदान है, अब 4 चरण बाकी है, उसमें मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन राम गोपाल यादव का बयान विपक्षी दलों की जो गले की हड्डी बन सकता है. राम गोपाल यादव के इस बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार कर कहा कि राम गोपाल यादव का बयान हिंदू विरोधी है और उन्होंने राम भक्त हिंदू समाज का अपमान किया है. राम गोपाल यादव के इस बयान से समाजवादी पार्टी की मंशा सामने आ गई है. उधर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि क्या कब्रिस्तान बनाना अच्छा था अगर मंदिर बनाना बेकार है तो? क्या इनके लिए वो उत्तर प्रदेश अच्छा था जो मुख्तार अंसारी, अबू सलेम, अतीक अहमद और छोटा शकील के लिए जाना जाता था? सुधांशु त्रिवेदी ने यह पूछा कि क्या वो अपनी सत्ता आने पर, जो कि आनी नहीं है, वो राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तमन्ना रखते हैं या कोई कानूनी पेच निकाल कर जैसा कि 1949 में राम मंदिर में ताला लगवाना चाहते हैं. और सिर्फ इतना ही नहीं, इस फेहरिस्त में अंकल सैम भी हैं जो जब जब बोलते हैं तब तब कांग्रेस का नुकसान ही करते हैं. कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर विवाद हो गया है. आज इसी पर प्रहार कर रही हूं, लेकिन उससे पहले आपको यह दिखाती हूं कि आखिर अंकल सैम यानी कि सैम पित्रोदा ने, जो कि कांग्रेस के ओवरसीज प्रेसिडेंट हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं. और जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि वो बाहर भी यानी कि विदेश में भी किस तरह से देश की छवि को रखते होंगे. अब इस वक्त एक एक करकर वो तमाम ग्राफिक्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कि सैम पित्रोदा की किस तरह से जो नस्ल भेदी टिप्पणी है वो सामने आई है. और चुनाव का अब चौथा चरण आते आते तक, कल तीसरा चरण का मतदान हो चुका है, अब चौथा चरण आने से पहले किस तरह से जो 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 राजनीति है देश की वो अब काले गोरे पर आ गई है. पूर्वी भारत के लोग इन्हें चाइनीज लगते हैं, कि नहीं, सैम पित्रोदा को. पश्चिम भारत के लोग इन्हें अरब जैसे नजर आते हैं. उत्तर भारतीय अंग्रेज जैसे दिखते हैं सैम पित्रोदा को. साउथ इंडियन अफ्रीकन जैसे दिखाई देते हैं. अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में और जो भी जहां पर भी रैली कर रहे हैं उस पर एक करारा प्रहार किया है और ये भी कहा कि आज वो बहुत ही गुस्से में हैं और कहा कि शहजादे के अंकल ने रहस्य खोल दिया है, एक्सपोज कर दिया है. रंग के आधार पर लोगों को गाली देने का काम किया है. रंग देखकर राष्ट्रपति को अफ्रीकन बता रहे थे और यही कारण है कि राष्ट्रपति का इतना विरोध किया जा रहा था. शहजादे के अंकल ने गुस्सा दिला दिया है. कोई मुझे गाली दे तो मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन देशवासियों को गाली दें, देशवासियों का अपमान करें तो वो सहन नहीं कर सकता. रंग के आधार पर देशवासियों को गाली दे रहे हैं राहुल के अंकल, शहजादे के अंकल. आज इसी पर प्रहार करेंगे. ये दो मुद्दे जो हमने यहां पर आपको दिखाए हैं, ये दो दरअसल सेल्फ गोल हैं. एक सेल्फ गोल पर तो हम कल चर्चा कर चुके हैं, लेकिन दो मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे. लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट. देश में आम चुनाव हो रहे हैं, नेता अपने अपने दावे और वादे बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश में कभी धर्म के नाम पर आरक्षण, कभी राम मंदिर के नाम पर प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल और अब राम मंदिर के वास्तु पर सवाल. ये INDIA गठबंधन के नेताओं की आदत सी बन गई है.
कल ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की थी। सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव राम मंदिर के वास्तु पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। विवादित बयानों की फेहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के दिग्गज ही उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान कुछ इस कदर बिक रहा है कि विरासत टैक्स वाले बयान की वजह से सुर्खियों में आए अंकल सैम के अब नए बयान ने सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच पित्रोदा ने भारत को रंग के आधार पर मांट दिया, जिसे लेकर बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा समेत कांग्रेस की मंशा पर करारा प्रहार किया। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये देश को कहां ले जाएंगे? मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। अंकल सैम के इस बयान को डिफेंड करना कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। हालांकि इससे पहले अंकल पित्रोदा के बयान से तो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार भारतीयों पर नस्लीय टिप्पणी कांग्रेस और INDIA की मुश्किल बढ़ाने वाली है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इन सब का फैसला 4 जून को हो ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले जो मेहमान स्टूडियो में जुड़े हैं उनसे पहले परिचय करवा देते हैं। अवनिजेश अवस्थी जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। दुष्यंत नागर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ स्टूडियो के बाहर से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ शालामणि त्रिपाठी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। लेकिन सबसे पहले स्टूडियो से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं, दुष्यंत नागर जी से चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं कि दुष्यंत नागर जी, ये सेल्फ गोल पर सेल्फ गोल की एक होड़ सी मच गई है क्या आपके गठबंधन में? जी बिल्कुल भी कोई सेल्फ गोल नहीं है। जिनके विषय में जो आपने प्रस्तावना में कार्यक्रम के बताया उसके विषय में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने श्री जयराम रमेश जी ने स्पष्ट कर दिया, ना उनके विचार से, ना उनके कथन से, ना उनकी भावनाओं से पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, वो कांग्रेस की विचारधारा से उसका कोई लेना देना नहीं है। ओवरसीज प्रेसिडेंट का कांग्रेस के प्रेसिडेंट तो नहीं है, ओवरसीज में कांग्रेस के ही है ना? मुझे जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? जी अध्यक्ष हैं, मैंने तो इतना सुना पढ़ा। अच्छा, तो मैं तो ये सोच रही हूं कि वो ओवरसीज अध्यक्ष हैं तो उनके निजी विचार हैं, ये निजी विचार हैं, उनके निजी विचारों को भी एंडोर्स नहीं करती कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में क्या है? मैं तो भारत का एक नागरिक हूँ, मैं तो कुछ कर रहे हैं ना, जो आप अपनी बात बोल रहे हैं तो आज चैनल पर आप पूरे विश्व में जा रही है कि कांग्रेस के तौर पर आप बैठ रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट जो बात कर रहा हूँ उसके वास्तविक अर्थ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ना मैडम। मेरे को लगता है ये अच्छी बात रख देंगे, मैं चला जाऊँ। आजकल आप इतना भड़क क्यों जाते हैं? मेरे को लगता है मेरी उपयोगिता नहीं है, मैं चला ही जाता हूँ। आप भी विक्टिम कार्ड खेलने लगे। अरे दुष्यंत जी बैठ जाइए। अरे देखिए मैं तो बस, अरे आप ही सबसे पहला सवाल आप ही से किया है। सबसे आचार्य जी आ रही हूँ, आचार्य जी आ रही हूँ।